स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच के बारे में। तो भाई आप लोग देख सकते हैं ये रही मेरे हाथ में T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम वॉलपेपर के बारे में। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम वॉलपेपर के बारे में। हाँ गाइस, आप लोग को बता दें आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम वॉलपेपर को आप लोग को T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में किस टाइप से सेट करना है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी हम लोग बताने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो में सारी जानकारी को मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो भाई बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। तो फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया है कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं T800 अल्ट्रा के ऊपर हमें कस्टम वॉलपेपर किस टाइप से सेट करना है। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस टाइप से कस्टम वॉलपेपर को सेट कर सकते हो, किस टाइप से अपनी पसंद की वॉलपेपर गैलरी सेलेक्ट करके स्मार्ट वॉच के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस पहले हम लोग एक नज़र बॉक्स के ऊपर मार लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं T800 अल्ट्रा का ये ओरिजिनल बॉक्स है। आप लोग देख सकते हैं गाइस 1.99 इंच की इनफिनिटी डिस्प्ले के साथ आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को अनबॉक्सिंग की वीडियो में कि स्मार्ट वॉच हमें वायरलेस चार्जिंग के साथ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पे हमें इस स्मार्ट वॉच के साथ देखने के लिए मिलती है। सो गाइस स्ट्रैप्स वगैरह की मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि इसके साथ हमें ब्लैक स्ट्रैप्स देखने के लिए मिलते हैं। ये T800 अल्ट्रा का अपग्रेड मॉडल है। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले हैं कि किस टाइप से आप लोग को इसमें कस्टम वॉलपेपर को सेट करना है। सो गाइस इसकी जानकारी वगैरह अगर हम बैक साइड से देखें तो आप लोग देख सकते हैं गाइस काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई है। गाइस आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज वगैरह करके पढ़ सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे दिख रहा है T800 अल्ट्रा स्पेस एल्युमिनियम केस, जो कि गाइस आप लोग को बता दें ये हमें स्ट्रैप्स देखने के लिए मिलते हैं, एल्युमिनियम के केस यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं गाइस 49mm के यहाँ पे ये केस देखने के लिए हम लोग को मिल जाते हैं। सो गाइस अगर ब्रांड की हम लोग अगर बात करें स्मार्ट वॉच की, तो गाइस मेड इन चाइना का ये ब्रांड है, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हैं मेड इन चाइना का ये ब्रांड है जो हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए तो गाइस वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है मेरे हाथ में T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्लिम और काफ़ी लुकेबल यहाँ पे स्मार्ट वॉच ये देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस अगर आप लोग इसकी वाटर रेसिस्टेंट की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी वाटर रेसिस्टेंट की वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि गाइस ये वॉच हमें वाटर प्रूफ देखने के लिए मिल जाती है, मैं आप लोग को पहले ही बता दूं गाइस इसका वाटर टेस्ट मैं पहले ही कर चुका हूं। अगर आप लोग उसकी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस काफ़ी गुड लुकिंग वॉच है ये, इसके स्ट्रेस वगैरह भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस हम लोग बात कर देते हैं इसकी कस्टम वॉलपेपर के बारे में। सो गाइस कस्टम वॉलपेपर सेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर एप्लीकेशन से हेरा फाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। चल तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं प्ले स्टोर से हमें हेरा फाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस इजीली आप लोगों को प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आ जाना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आने के बाद आप लोग को गाइस गूगल पे हेरा फाइन एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। तो गाइस जैसा कि मैंने ये हेरा फाइन एप्लीकेशन को सर्च किया, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रहा हेरा फाइन एप्लीकेशन। तो गाइस फटाक से ओपन वगैरह हम लोग को कर लेना है। गाइस ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को इस एप्लीकेशन का देखने के लिए मिल जाएगा। तो इजीली गाइस मुझे ये माय वाले फंक्शन में आ जाना है। माय वाले फंक्शन में आने के बाद गाइस ऐड अ डिवाइस पे हम लोग को क्लिक कर लेना है। सो गाइस ऐड अ डिवाइस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे गो टू सेट पे हम लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे हम गो टू सेट पे क्लिक कर दें तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। हमें लोकेशन को एक्सेस वगैरह दे लेना है और बैक आ जाना है। सो गाइस यहाँ पे ब्लूटूथ का लोगो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, इजीली हमें इस पर टैप कर लेना है। जैसे गाइस हम इस पर टैप करते हैं तो ये हमें ब्लूटूथ का सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा, इजीली हमें इस पर टैप कर लेना है।
जैसे गाइस इस पर टैप करके रखते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इजीली हमें इस पर टैप कर देना है। जैसे गाइस हम टैप करते हैं इस पर कुछ सेकंड का टाइम लगता है और फाइनली गाइस ये एप्लीकेशन हमारी स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाता है। सो गाइस चलिए तो हम कस्टम वॉलपेपर को सेट करना आप लोग को बता देते हैं। सो गाइस कस्टम वॉलपेपर सेट करने के लिए हम लोग को डायल सेटिंग में आ जाना है गाइस। इजीली डायल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं माई डायल, डायल मॉल और डायल यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को डी आई वाई डायल पे क्लिक कर लेना है इजीली। जैसे गाइस इस पर हम टैप करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं पहले ही एक पिक्चर सेलेक्ट करके रखा हूँ, इसको मैं अप्लाई वगैरह अभी कर चुका हूँ स्मार्ट वॉच के। तो गाइस आप लोग को कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। सो गाइस इजीली इस यहाँ तक आने के बाद हम लोग को सिलेक्ट अ पिक्चर पे क्लिक कर लेना। जैसे कि हम सिलेक्ट अ पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, सिलेक्ट पिक्चर, ऑनलाइन वॉलपेपर। तो गाइस हम ऑनलाइन वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑनलाइन वाली वॉलपेपर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। आप जो भी चाहें सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग को गैलरी से अगर चूज़ करना है वॉलपेपर तो हमें सिलेक्ट अ पिक्चर पे क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस हम सिलेक्ट अ पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे गैलरी में लेके आ जाएगा। तो गाइस हमें गैलरी से कोई भी वॉलपेपर उठा लेना है। जैसे गाइस मैंने ये वॉलपेपर को चूज़ कर लिया, चूज़ करने के बाद यहाँ पे राइट का सिंबल देखिएगा, इस पर टैप कर देना है। सो गाइस नीचे साइड आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, हमें इजीली यहाँ पे टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद इजीली गाइस हम लोग को राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे डेट और टाइम का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, अपने हिसाब से आप लोग चाहें तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग इसे एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। एडजस्ट वगैरह करने के बाद यहाँ पे राइट का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, यहाँ पे हमें इजीली टैप कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पे हम लोग टैप करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस आप लोग चाहे टाइम लोकेशन और कॉन्टैक्ट अबव टाइम और कॉन्टैक्ट बिलो टाइम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे कलर वगैरह का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है हम लोग को, टेक्स्ट कलर। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं ये टाइम वगैरह का ये टेक्स्ट कलर कहलाता है। तो गाइस इनको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, येलो ब्लू जो हम चाहें यहाँ पे अपने मन से कर सकते हैं। तो गाइस मुझे तो व्हाइट ठीक लग रहा है तो मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ। गाइस आप लोग चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस मेरे को व्हाइट ठीक लगा इसलिए मैंने व्हाइट को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो गाइस इतना करने के बाद हमें सेव एंड यूज़ पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस हम सेव एंड यूज़ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस हमें कुछ सेकंड के लिए वेट कर लेना है। कुछ सेकंड के वेट करने के बाद यहाँ पे ये वॉलपेपर इजीली अपलोड हो जाएगी। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग वगैरह चल रही है तो हमें टाइमिंग का वेट कर लेना है। तो गाइस आप लोग को बता दें डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी सही यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है इस स्मार्ट वॉच के साथ। सो गाइस डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे गाइस मैं जो फोटो अपलोड कर रहा हूँ ये कैमरा की फोटो है और यहाँ पे इजीली ये स्मार्ट वॉच के ऊपर अपलोड हो जाएगी, पिक्सल वगैरह भी नहीं फटेंगे, जो कि काफ़ी सही बात हमें इस स्मार्ट वॉच के साथ देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस आप लोग को बता दें ये स्मार्ट वॉच वैल्यू फॉर मनी है। आप लोग अगर चाहते हैं इसे परचेस करना तो मैं इसकी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली इस स्मार्ट वॉच को परचेस वगैरह कर लीजिएगा। सो गाइस काफ़ी गुड लुकिंग वॉच है, एप्पल कॉफी अल्ट्रा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं एप्पल का फुल कॉफी वर्जन ही है जिसे हम T800 Ultra के नाम से जानते हैं। सो गाइस स्ट्रैप्स वगैरह भी सेम ये हमें एप्पल के कॉफी ही देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस एक टाइप से अगर हम लोग बात करें तो एप्पल की फुल कॉफी ये स्मार्ट वॉच है जो कि गाइस हमें कम प्राइस में देखने के लिए मिल जाती है। गाइस आप लोग को बताने पिक्चर कुछ ज़्यादा MB की रहती है तो यहाँ पे कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है, आप लोगों को भी टाइम लग सकता है। तो गाइस आप लोग को वेट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे 73-74 हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। सो गाइस कुछ सेकंड का और टाइम लगेगा तो फाइनली ये वॉलपेपर हमारे स्मार्ट वॉच के ऊपर अप्लाई
हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, फाइनली ये वॉलपेपर हमारी स्मार्ट वॉच के ऊपर अप्लाई हो चुकी है, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में ये वॉलपेपर हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोग को कस्टम वॉलपेपर किस टाइप से सेट करना है, किस टाइप से सिलेक्ट करना है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो गाइस, मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। मजा आया।